जय माता दी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। ऐसे पड़ा ब्रह्मचारिणी नाम। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। हजारों वर्षों तक की थी मान्य तपस्या। आचार्य बालकृष्ण मिश्रा के मुताबिक देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की नव शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवऋषि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्षों तक केवल फल का सेवन करके कठिन तपस्या करने लगी। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन के अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधाना कर्पणाभ्यम अक्षमाल कमंडलम देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारिणी उक्तमा। जय माता दी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हैप्पी नवरात्र।